नमस्कार दोस्तों, तो फिर से हम लोग आ गए हैं और एक नए वीडियो के साथ। तो आज भी हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए आए हैं और आपको मैं बताने वाला हूं कि भाई आपको पता है कि भाई फेसबुक पर भी जो है आपका कॉन्टेक्ट जो है वो सेव होता है। ओके, तो अगर आपका कॉन्टेक्ट खो गया है तो वहां पर जो आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा आपका फेसबुक का कॉन्टेक्ट, जो भी आपने कॉन्टेक्ट अपने फोन पर सेव किया था वो अपना फेसबुक पर भी जो है सेव होकर रहता है। मैं आपको बताऊंगा वो कहां पर मिलेगा और किस तरह से जो है आप उसको देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह से जो है आप उसको देख सकते हो, अपने फेसबुक पर जो है अपने कॉन्टेक्ट किस तरह से जो है देख सकते हो। साइड स्क्रीन पर आ चुका है और यहाँ पर मैं करूंगा सबसे पहले अपना फेसबुक का जो एप्लीकेशन है उसको ओपन। तो यहाँ पर मैंने अपना फेसबुक जो है ये ओपन कर लिया है। तो जैसे ओपन करोगे तो ऊपर में आपको थ्री लाइंस का ऑप्शन मिलेगा, तो थ्री लाइंस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। ओके, तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा सबसे नीचे में, तो वहां पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहला वाला ऑप्शन सेटिंग पर क्लिक कर लेना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे में आ जाना है और नीचे में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है योर इन्फॉर्मेशन। तो योर इन्फॉर्मेशन में जो है यहाँ पर आपको पांच ऑप्शन जो है दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है सेकेंड वाला ऑप्शन। ओके, यहाँ पर है एक्सेस योर इन्फॉर्मेशन, तो आपको इसी को क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस। अभी आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको करना है, यहाँ पर आपको योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर जाना है। यहाँ पर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको ये वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर आपको मिलेगा अपने कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पर देखिए, नीचे में स्क्रॉल डाउन कीजिए तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है योर एड्रेस बुक। ओके, तो यहाँ पर आपको देखिए योर एड्रेस बुक पर आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा जो है अपना कॉन्टेक्ट जो है आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरा कॉन्टेक्ट जो है अभी यहाँ पर 621 कॉन्टेक्ट जो है यहाँ पर मेरा अवेलेबल है। मतलब आप जितना बार फेसबुक को लॉगिन करोगे तो आपको अलाउ मांगा जाता है कि भाई आपको ये अलाउ देना पड़ेगा। तो जैसे अलाउ करते हो तो यहाँ पर जो है पूरा बैकअप ले लेता है अपने कॉन्टेक्ट का। ठीक है, तो अगर आपने फोन को कभी रीसेट कर दिया, फैक्ट्री रीसेट कर दिया, तो भाई आपका कॉन्टेक्ट जो है चला जाता है और आप रिकवर करते हो तो वहां पर कुछ कॉन्टेक्ट जो है नहीं भी आता है। ओके, आपको यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा पूरा कॉन्टेक्ट। तो मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखा देता हूँ। देखिए, तो यहाँ पर मैं ज्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मेरा पर्सनल कॉन्टेक्ट भी है। तो ओके, तो यहाँ पर नाम आ जाएगा, यहाँ पर आपको फुल नंबर नहीं आएगा, आप देख सकते हो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ओनली नाम आएगा और यहाँ पर आपको लास्ट डिजिट जो है कॉन्टेक्ट का वही यहाँ पर आपको दिखाई देगा। टोटल यहाँ पर जो है देखिए पूरा का पूरा जो है यहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट जो है मिल जाएगा ए टू जेड। जितना भी कॉन्टेक्ट जो है आपने सेव किया है वो पूरा का पूरा यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ से जो है डिलीट ऑल भी कर सकते हो, पर ये करने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कभी भी जो है ये चीज आपको जरूरत पड़ सकता है। फोन तो आपका पास हमेशा होने वाला नहीं है, कभी आप फोन को रीसेट करके सेल कर दोगे तो जो है भाई आप जैसे अपने फेसबुक पर लॉगिन करोगे तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा कॉन्टेक्ट जो है मिल जाएगा। तो ये चीज जो है बहुत ही अच्छा बात है और यहाँ पर रहने से कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा, रहने दीजिए। और साथ ही साथ जो है इसको डिलीट मत कीजिएगा क्योंकि जब कभी भी आपका फोन तो चेंज होता रहेगा और फेसबुक तो चेंज नहीं होगा, फेसबुक का अकाउंट एक ही होने वाला है, तो वहां पर जो है आपको ये चीज जो है हमेशा रहेगा। जब भी आप चाहो वहां से कॉन्टेक्ट जो है ढूंढ कर जो है ले सकते हो। वीडियो को जरूर शेयर कर देना ताकि भाई बहुत लोगों का कॉन्टेक्ट जो है वो मतलब रीसेट करने का टाइम में मतलब रिस्टोर नहीं होता है और यहां से जो है उन लोगों को भी ये मिल पाएगा। तो प्लीज वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल में नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना इसी तरह का जो वीडियो आपको देखने के लिए। साथ ही साथ कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हमेशा कहता हूँ इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लीजिएगा। साथ ही साथ वहां पर आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, मैं आपका प्रॉब्लम जरूर सॉल्व कर दूंगा। चाहो तो भाई आप वीडियो भी अगर चाहते हो तो मैं वीडियो भी बना दूंगा उस टॉपिक पर। ओके, और कमेंट डाउन भी कर सकते हो, वहां पर भी मैं आपको जरूर सहायता करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को गुड लक और वीडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।